हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वाइप द फ्यूचर। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना टीच यू द डिफरेंस बिटवीन सिविल रूल, मिलिट्री रूल एंड इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग एंड स्प्लेंडेड। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं फौरन से, पहले जाएं हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ पर है बेल आइकॉन, उस पर करें क्लिक ताकि आने वाली हमारी हर अपडेट न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। क्योंकि वीडियो का एंड होने आपको उसने भी सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो का जो कंक्लूजन है वो बहुत ही अमेजिंग होने जा रहा है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बताया आपको कि आज हम डिफरेंस बात करने लगे सिविल, मिलिट्री और इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं व्हाट इज सिविल रूल। सिविल रूल बेसिकली होता क्या है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और अ स्टेट रन बाय अ सिविलियंस, प्योरली सिविलियंस जो है उनको चलाए गए। मीन दैट अ कॉमन पर्सन जो है हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसको लोग इलेक्ट करेंगे एज देयर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, मतलब जो गवर्नमेंट के लोगों को जो सिलेक्ट किया जाएगा, गवर्नमेंट को जो लोग सिलेक्ट करेंगे वो एक स्टेट को चलाएंगे, वो क्या कहलाता है? सिविलियन रूल। ये बेसिकली प्योर सिविलियन रूल का मतलब ये है कि इसके अंदर किसी भी चीज की वो जो कहते हैं ना इंटरफेरेंस नहीं है। मिलिट्री जो है उसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा एक कंट्री को, मतलब मिलिट्री का कोई अमल दखल स्टेट के अंदर, स्टेट के अफेयर्स के अंदर या बात कर ले हमारी गवर्नमेंट के अंदर नहीं होगा। इट्स मींस दैट द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी दे वर इंडिपेंडेंट, टोटली इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो अपने आजाद हैं। कॉमन मैन सिविलियंस जो है वो अपनी जो गवर्नमेंट है उसको रन करेंगे। इसके साथ एक और जो टर्म आती है उस टर्म का नाम है मिलिट्री रूल। अब बेसिकली मिलिट्री रूल क्या होता है? डायरेक्टली जो हुआ जो स्टेट है वो टेक ओवर कर लेती है। कौन कर लेती है? मिलिट्री कर लेती है। अब मिलिट्री कैसे करती है? बाय मार्शल लॉ, मतलब मिलिट्री डिक्टेटर्स जो हैं वो आते हैं और वो जो एक कंट्री है, एक स्टेट है, उसको काबू में कर लेते हैं। मतलब जो रूल होता है वो कौन संभाल लेते हैं? मिलिट्री वाले रूल संभाल लेते हैं। मतलब मिलिट्री देखती है कि सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो वीक है, वो चीज का फायदा उठाता है। जो भी मिलिट्री डिक्टेटर है डेट टाइम होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, मार्शल लॉ होता है, वो आता है, वो अपना जो लॉ है उसको नाफिज कर देता है और वो काबिज हो जाता है मुल्क के ऊपर। और जो जुडिशरी होती है, पार्लियामेंट होती है, वो हर चीज को खत्म करके अपना रूल ले आते हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट मिलिट्री रूल। और जो डायरेक्ट मिलिट्री रूल होता है इसमें कुछ केसेस में आता है कि जो कंट्री होता है वो तरक्की करता है, कुछ में वहां स्टेबल रह जाता है, कहीं इकोनॉमी डेवलप होती है कहीं नहीं होती है। अच्छा, जो लेकिन जो सिविल गवर्नमेंट की बात की है उसमें ये होता है जो तरक्याती काम होते हैं, डेवलपमेंट होती है, उस पर बहुत ज्यादा काम किया जाता है और उसमें बहुत ज्यादा जो होती है जो डेवलपमेंट जो हमें देखने को मिलती है। अच्छा, जो इसके बाद मैंने थर्ड टर्म की बात की थी वो थी इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल। अब इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल बेसिकली क्या होता है? गवर्नमेंट जो होती है वो बाजायर चला कौन रही होती है? सिविलियन गवर्नमेंट ही होती है। हमें लग रहा होता है कि जो गवर्नमेंट जो रन हो रही है वो कौन कर रहा है? सिविलियन गवर्नमेंट कर रही है, कॉमन मैन कर रहा है जो इलेक्टेड बाय द पीपल है। लेकिन उसके बैक एंड पर क्या होता है? बेसिकली जो उसको इलेक्ट करवाने वाले होते हैं उस गवर्नमेंट को, वो कौन होते हैं? मिलिट्री वाले होते हैं। अब जो मिलिट्री है, अब लफज ही क्या है? इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल। रूल किसका है? मिलिट्री का ही है, लेकिन दिख क्या रहा है कि सिविलियन कर रहे हैं, होता इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल है। मतलब जो मिलिट्री है उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है जुडिशरी के अंदर, लॉज के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, मतलब ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है? मिलिट्री की होती है। सो इस केस के अंदर जो होता है मुल्क के अंदर एक अनस्टेबल सी सिचुएशन होती है, एक जिसे कहते हैं ना, इस दौरान जो होता है सिविल वॉर्स का भी बहुत ज्यादा खदशा होता है। क्यों? देयर इज नो प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर्स, मतलब ना सिविलियन सही से गवर्नमेंट चला पा रहे हैं ना मिलिट्री वाले चला पा रहे हैं। तो इस केस के अंदर बहुत से जो होते हैं वो हमें एफर्ट्स डिमेरिट्स देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज मिलिट्री रूल,
what is civilian rule and what is indirect military rule. So इस difference को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपको इसमें clearly तौर पर पता चलेगा कि क्या क्या इसमें difference है. तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई है तो वीडियो करें लाइक कमेंट और शेयर. और अगर वाकई में ही वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल स्वाइप द फ्यूचर को जाके करें सब्सक्राइब और साथ पर है बेल आइकॉन उस पर करें क्लिक ताकि आने वाली हमारी हर अपडेट वीडियो आप तक पहुंच सके. तो मिलते हैं एक और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. तब तक करिए गुड लक एंड गुड बाय.